नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। तो जो कि सबसे आज वीडियो बना रहा हूँ मैं एडमिशन प्रोसीजर पे, जो कि मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी। तो इसमें होने क्या वाला है कि एक पूरी हम सीरीज़ बनाएंगे और इस सीरीज़ में काफ़ी सारी वीडियोस होने वाली है। इसमें कुछ चीज़ें हैं रिलेटेड, जैसे पहले बात करेंगे हम यूनिवर्सिटीज़ की कि पहले बैचलर्स के एडमिशन किस में होंगे, मास्टर्स के एडमिशन किस में होंगे, और क्या 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 है, मतलब क्या क्या उनकी रूल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो ये ऐसे ऐसे हम पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। अगर मैं एक ही में सब बताऊंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। और पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, जो कि क्या सिनेरियो है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का, फ़िलहाल तो बहुत बेकार है अभी। और जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ और पूरा एक्सप्लेन करूँगा कैसे पार्ट टाइम जॉब का भी फ़िलहाल क्या सिनेरियो है यहाँ पे। फिर कोई भी न्यूज़ आती है एजुकेशन से रिलेटेड, रशिया में कुछ भी क्वेश्चंस हो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे इन वीडियोस में। और जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर या आफ्टर पीएचडी, क्या यहाँ पे जॉब्स हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या यहाँ पे लाइफस्टाइल बेटर है, और सेटल होने के जो कई लोग जैसे यूरोप में जाते हैं क्या वो सेटल हो जाते हैं वहाँ पे, वापस नहीं जाते हैं, तो क्या एक रशिया एक बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सेटल होने के लिए। तो इन सभी बातों पे हम लोग बात करने वाले हैं और इन सभी टॉपिक पे प्रॉपर एक वीडियो होने वाली है। तो आज जो हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, आज वीडियो हम बना रहे हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स कर सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग, वो भी इंग्लिश में। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। तो भाई, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि रशिया में बैचलर्स करना इंग्लिश में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी फ़िलहाल मौका दे रही हैं रशिया में बैचलर्स करने का, वो भी इंग्लिश में। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। मास्टर्स करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई लोग ग्रुप में पूछ रहे हैं, तो उस पर भी वीडियो भी आ जाएगी, सारी अब वीडियो रेगुलर आएगी, कोशिश करूँगा मैं। तो एक बात ध्यान में रख लें, बहुत ही लेस ऑप्शंस हैं बैचलर्स करने के लिए इंग्लिश में, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में। तो कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें से मैं अभी उनके नाम लेने वाला हूँ और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को मैं दिखा दूँगा। तो मैं मेनली अभी इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के बारे में बात करूँगा। सो इंजीनियरिंग इन रशिया इन इंग्लिश, ठीक है? तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साउथर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है जो कि इंग्लिश में आप बैचलर्स कर सकते हैं। 4 साल का प्रोग्राम है और फीस है इसकी 1,38,000 रुपल, यानी कि फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है और मतलब यूनिवर्सिटी अपने इंडिया के बराबर ही फीसेस हैं जो कि नॉर्मल अपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस होती हैं। और बाकी लिविंग एक्सपेंस के बारे में मैंने सारी वीडियोस बना रखी है, आप जो भी है देख सकते हैं, और एक प्रॉपर वीडियो मैं और बना दूंगा उस पर। तो और एक दूसरा कोर्स है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी वही यूनिवर्सिटी है साउथर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लिश में है और इसकी भी फ़ीस 1,38,000 है जो कि 1 साल की है। तो मैंने आपको पहले बताया, और ये सिटी का नाम है रोस्तोव ना दोनों। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंग्लिश में करने का मौका देती हैं बैचलर्स, और जो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है कोई फेक यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो रशिया की गवर्नमेंट की ऑफिशियल मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, मैंने वहाँ से इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का डाटा निकाला है और वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। एक है दूसरी यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल ट्रेड जो कि है 1,38,000 पर साल, जो सेम यूनिवर्सिटीज़ है। तो एक ये है, दूसरा है बायोलॉजी, बायोलॉजी आप पढ़ सकते हैं जो कि मॉस्को में यूनिवर्सिटी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3,20,000 रुपल पर ईयर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं इंग्लिश में, जिसकी फ़ीस होगी करीब 2,34,203 रुपल पर ईयर, आपकी स्क्रीन पर सब दिख रहा है। ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग 2,34,203 रुपल पर ईयर। और मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, मैनेजमेंट के लिए भी कई लोगों ने मेरे से पूछा था, हालांकि कई लोगों ने मुझसे पूछा था एमबीए के बारे में, मास्टर्स जो कि बैचलर्स के बात करते हैं, तो उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में। और
रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो 2,34,000 यूनिवर्सिटी फीस है पर ईयर की, और इंग्लिश में कर सकते हैं आप। कंस्ट्रक्शंस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं जिसकी फ़ीस 2,34,000 है, और जो भी सारे ऑप्शन हैं वो आप यहाँ स्लाइड्स में देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे, डायरेक्ट लैपटॉप पे, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं और क्या प्रोसीजर है, और हर यूनिवर्सिटीज़ का क्या होता है कि अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो मैंने जिन यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताए हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में मैं एक का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि साउथर्न फेडरल यूनिवर्सिटीज़। और जो जो मैंने कोर्स बताए थे आप क्या करिए, डायरेक्ट उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखिए और उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, या फिर आप रशिया डॉट स्टडी पे जा सकते हैं, या फिर आप स्टडी इन रशिया में जा सकते हैं। ये दोनों वेबसाइट्स मैं आपको शो कर रहा हूँ। स्टडी इन रशिया ऑफिशियल रशियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, आप यहाँ से भी एडमिशन ले सकते हैं। वो एक दूसरा तरीका है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा किसी और वीडियो में। और ये दोनों वेबसाइट्स हैं जो कि रशियन गवर्नमेंट की है, और एक वेबसाइट हो रहा है वो स्कॉलरशिप का है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो किसी और वीडियो में बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताने को। लेकिन मैं फ़िलहाल अभी बात कर रहा हूँ कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, और जो मास्टर्स वाले हैं वो भी इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो करना क्या है, सीधा रशिया डॉट स्टडी पर जाइए, और या तो जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो जो मैंने बताई हैं उन यूनिवर्सिटीज़ का सीधा नाम लिख दीजिए, जैसे कि इस यूनिवर्सिटी की मैं वेबसाइट पर जा रहा हूँ। और जिन यूनिवर्सिटीज़ का मैंने नाम बताया वो आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हर चीज़ इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, जैसे कि अबाउट यूनिवर्सिटी, एकोमोडेशन फ़ी कितना है, यानी आप वहाँ का रेंट कितना है, 1800 रूबल्स पर मंथ है, ये रशियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। हाँ ठीक है, रैंकिंग क्या है, नेशनल रैंकिंग क्या है इसकी, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इनकी रैंकिंग 84 है, और वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 531 है, नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 18 है। तो इसमें भी आपको कई चीज़ें मिल जाएगी, बैचलर्स प्रोग्राम 74 है, तो वो यहाँ से भी जान लेंगे। लेकिन ज़्यादा अच्छा जो न्यू डाटा अपडेटेड है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही मिलेगा। तो जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ गया, वो यहाँ से क्लिक करके मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ गया, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दे सीधा, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो रशिया में होता क्या है कि आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं तो वो डायरेक्ट रशियन में खुलती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्टेड हैं जो कि इंग्लिश में खुलती है, तो आपको स्पेशल जाके एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, जैसे यहाँ पे रशियन में तो आप उसको इंग्लिश में सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। देखो वेबसाइट पे हर चीज़ है, बस दिक्कत यह है कि हम लोग क्या है कि आलसी हो जाते हैं कि यार हम ना आगे देखना नहीं चाहते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी होता था। लेकिन आपको खुद ही हर चीज़ खोजबीन करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी के जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं उसके बारे में सब कुछ पढ़िए, वेबसाइट पर पढ़िए, रिव्यूज़ पढ़िए, क्या है कैसे है वहाँ की वेबसाइट, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उन लोगों को ढूंढें, उनसे बात करें, उनसे पूछें, बाकी जितनी हो सकती है मैं तो आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जैसे इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो जैसे इसमें सारी चीज़ें, स्टूडेंट लाइफ, अबाउट स्टडी, तो मैं हम बात करेंगे कोर्सेस इन इंग्लिश। अब जैसे ये सारे कोर्सेस हैं, अब इसमें मिक्स है, इसमें सारे कोर्सेस हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं, इकोनॉमिक्स, इंजीनियर और हर चीज़ है, मतलब इसमें मैनेजमेंट, इसमें बैचलर्स और मास्टर्स, सारे कोर्स की डिस्क्रिप्शन आप सीधा कोर्स के बारे में क्लिक करें और सीधा उस कोर्स पे पहुंच जाएं, तो ये सारा सब कुछ दे रखा है वेबसाइट पे। ठीक है, अब जैसे कि प्रोसीजर हम बात करते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, बहुत ईजी है, कुछ ऐसा खास नहीं है। इस पर जाइए हाउ टू अप्लाई, अब मैंने हाउ टू अप्लाई पे क्लिक किया, तो एडमिशन प्रोसेस क्या है। देखो मोस्ट ऑफ दी, मतलब कि 90% यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि वो लोग कैसे एडमिशन लेते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई आप ना हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें, उसको भरें उस फॉर्म को, और उसको उस पे अपना साइन कर दें, और अपने जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें मेल कर दें। लेकिन आप किसी भी वेबसाइट, मतलब कोई भी वेबसाइट खोल के पहले चेक करें कि वो ऑफिशियल वेबसाइट है कि नहीं यूनिवर्सिटी की, जैसे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है और जो ये आपके सामने ये मेल दिख रही है, ये ईमेल ये है, इनकी ऑफिशियल ईमेल है, तो ये लोग कहते क्या, जैसे कि लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फ्रॉम अब्रॉड विशिंग टू बिकेम, मतलब यूनिवर्सिटी का जो है, स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल। तो आप सबको ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस ईमेल पे भेजने हैं जो मैंने सेलेक्ट कर रखे है ये, और जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो मैंने बताया आपको, एप्लीकेशन मतलब हाथ से भर के या आप पीडीएफ में खोल के उसमें अपना डाटा डाल के और साइन करके फिर स्कैन करके फिर ईमेल पे भेजना। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म मैंने खोला, डाउनलोड हो गया, मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है, जैसे कि ये रहा।
अब ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अब इसमें क्या है, अपना बैचलर्स प्रोग्राम आप कौन सा करना चाहते हैं जो कि है वो आप उसी वेबसाइट पे देख लें, जो उसमें सारे उसमें कोड होता है, उन हर हर कोड हर एक कोर्स का कोड होता है 02 03 04। तो करें क्या, इस बैचलर्स प्रोग्राम में कोड भी लिखें और साथ में आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं जो वेबसाइट भी दिया उसको सेम छाप दें। जो मास्टर्स के लिए है, जो स्पेशलिस्ट प्रोग्राम्स है, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, और अपना सरनेम और नेम डालें, डेट ऑफ बर्थ, जो नॉर्मल सी आपके चीज़ें होती हैं। तो ये फॉर्म पूरा भर के और अपने यहाँ सिग्नेचर करके, यानी कि आप वैसे सिग्नेचर अपलोड कर दें इसमें कोई सा फ़ोटो या करके, आप इसका प्रिंट लेके आएँ फॉर्म पूरा। इसको आप दो तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, या तो आप इसी वर्ड के अंदर हर एक डाटा यहाँ पे क्लिक करके अपना डाल सकते हैं कि फैमिली या क्या है, फैमिली या इमिया आई मीन सर नेम नेम मेल फीमेल डेट ऑफ बर्थ, या आप कंप्यूटर में टाइप करके या हाथ से लिखें, ये इट्स ऑल अप टू यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साइन आपको खुद करना है, आप साइन ऐसे अपलोड नहीं कर देंगे, और जिस दिन डेट डाल दें उस दिन का करके ये पूरा इसमें डाटा डाल दें। पहला स्टेप तो ये होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भर के सारा कुछ कर दें। कई यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती हैं कि आप हमें उनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, ऑनलाइन इन द सेंस ये भी ऑनलाइन ही है, लेकिन जैसे हम जेई मेंस का कोई फॉर्म भरता है तो सारा डाटा डायरेक्ट चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ वेब यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि आपको ये कहती हैं कि आप डायरेक्ट इस फॉर्म को भेज दीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अप्लाई भी कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती हैं, अगर आप हमें डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल भेजें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म भर के साइन करके आप भेजें इस ईमेल पे, जो कि इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। बहुत इजी प्रोसीजर होता है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सारा काम आप खुद कर सकते हैं। कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी, और ये कोशिश करना कि जो आपका पासपोर्ट है ना वो पूरे एंटायर कोर्स के बाद फिनिश हो रहा हो, एक्सपायर हो रहा हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। वरना कई यूनिवर्सिटीज़ ना प्रॉब्लम कर देती है वीज़ा देने में। जैसे कि मान लो आप 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स करने जा रहे हो और आपका वीज़ा ख़त्म हो जा रहा है 2 साल बाद ही, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम इशू आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बेटर ये रहेगा कि जो आपका पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो रहा हो पूरे इंटायर कोर्स के बाद, ख़त्म होने के बाद। और आपके जो एजुकेशन यानी कि जिसने 12th कर रखी है और 10th कर रखी है, सिर्फ 10th और 12वीं का चाहिए होता है, कोई 11वीं 7वीं 8वीं 9वीं का कुछ नहीं चाहिए होता है, 10वीं की मार्कशीट। और इसमें होता है ट्रांसक्रिप्ट और एक होता है डिप्लोमा, तो वो उसमें कोई फ़र्क भी मत समझना, बस सीधा है कि 10वीं का जो मार्कशीट है और जो 12वीं की मार्कशीट है, इन लोगों को पता है कि अपना वही होता है। जैसे 10th में तो अपन की मार्कशीट भी सर्टिफिकेट भी उसी में ऐड होता है, और 12th में हमें मिलता है ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमा। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल स्कैन करके PDF में वो उनके इन पे मेल कर देना है, और अपना पासपोर्ट ईमेल कर देना। और जो HIV का जो स्टेटस है ये कोई सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ये बाद में मांगती है, आपको पहले देने की ज़रूरत नहीं होती है। और कोई एक्सपीरियंस है या कुछ काम किया है, कुछ भी रिलेटेड कुछ भी किया है वो, तो उसके बारे में, और 6 जो आपकी फ़ोटोज़ हैं वो फ़ोटोज़ आपको भेज देने। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना आपको इस ईमेल पे भेजना होता है, फिर आप वेट करते हैं, और ये रिप्लाई बहुत जल्दी करते हैं, और इनका वैसे ये भी एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो ये जैसे ही आप लोगों को रिप्लाई कर देते हैं तो आपको वो लोग भेजते हैं क्या, एक इन्विटेशन लेटर, जो कि यहाँ पे इन्होंने मैंशन भी कर रखा है, सबमिटिंग ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स एट आवर साउथर्न फेडरल एजुकेशन यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट, इट्स नेसेसरी टू प्रोवाइड ओरिजिनल कॉपीज, मतलब ओरिजिनल आपको स्कैन करना है कलर में ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज दी रशियन ट्रांसलेशन। देखो ये लोग मैंशन करते हैं लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर वो फोर्स करते हैं तो आपको ट्रांसलेशन देना होता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, और मैंने कई दोस्तों से बात की है उनका भी ऐसा कोई केस नहीं हुआ है। तो आप डायरेक्ट इंग्लिश वाला भेज सकते हैं, एडमिशन इन्विटेशन आने के बाद आप ट्रांसलेशन का वर्क कराएं तो ज़्यादा बेटर वो रहता है, एम्बेसी भी वही बोलती है, द ट्रांसलेशन शुड बी मेड बाय रशियन ट्रांसलेटर। और जो अगर आप ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं तो हर रशियन कल्चर सेंटर्स हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कोलकाता में है, और चेन्नई में भी है, तो इन रशियन कल्चर सेंटर में आप ट्रांसलेट करा सकते हैं, और बाकी जो किसी रशियन कंपनी बेस्ड जो है करवा सकते हैं। तो ये प्रॉपर ये है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इनको भेजें और वेट करें, आपको वो रिप्लाई करते हैं कि ठीक है आपके, आप वेट करो कि हाँ हम इतने समय बाद 2 वीक्स 3 वीक्स बाद हम आपको इनविटेशन लेटर भेजेंगे। और बैचलर्स की जो 20 जून से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, बैचलर्स के ख़त्म हो जाएंगे 11 अगस्त को, मास्टर्स के जो हो जाएंगे वो 20 जून को स्टार्ट हो जाएंगे और 5 अगस्त को ख़त्म हो जाएंगे जो कोर्स जो। तो अभी यानी आपको भेजना नहीं है, लेकिन अगर आप अभी भेज भी दो तो कोई प्रॉब्लम कोई इशू है नहीं ऐसा,
बाकी ये कि अभी एडमिशन स्टार्ट हुए नहीं है, कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी आप पैनिक मत होना ज़्यादा। अभी आप जो कर रहे हैं हाँ हाँ उसमें ये एक चीज़ रिलैक्स और, ये रहो। नहीं कि आप सीधा आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इनको मेल पे भेज दें और कुछ बताए ना, उसमें प्रॉपर अपने ये लिखें कि मेरा नाम यह है, मैं न्यू दिल्ली से इंडिया से हूँ, और मैं आपकी प्रेस्टिजियस मतलब थोड़ी तारीफ़ करके आपकी मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ने का मौका मिलता है, और मेरे ये एम्स है, मैं ये करना चाहता हूँ। और अगर आप एक मोटिवेशन लेटर भी लिख देते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, कि मतलब पीडीएफ में बना के भेज देते हैं वो भी साथ में, तो आपके चांसेस थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। वैसे बहुत ईजी है यार यूनिवर्सिटीज़ में, इतना ईजी एडमिशन लेना है कि आपको मैं बता नहीं सकता, लोगों को पता नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ईजी है एडमिशन लेना। तो आप प्रॉपर लिख दे कि मेरा नाम ये है, जैसे अपने बारे में बता के, और ये डॉक्यूमेंट्स लिख दे मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आपको रिप्लाई करते हैं कि आप ऐसे ऐसे करिए, और हम आप फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। और एक चीज़ और कि जो आप लोगों को मालूम नहीं है, कि मैंने कई बार बोला है रशिया डॉट स्टडी रशिया डॉट स्टडी, लेकिन आप लोग उस वेबसाइट पे जाते नहीं है। सिंपल है, करना क्या होता है, सीधा वेबसाइट पे सर्च कीजिए रशिया डॉट स्टडी, इसके बारे में मैंने कई बार बताया व्हाट्सएप ग्रुप में, और जिन लोगों को नहीं पता है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और वहाँ पे कई लोग आपके आंसर्स देते हैं, मैं भी आंसर्स देता हूँ, अगर आपके कोई एक्स्ट्रा डाउट आते हैं तो हम आपके डाउट वहाँ क्लियर कर सकते हैं। और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया, और लिंक भी इस नीचे में मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो रशिया डॉट स्टडी खोलिए सीधा, और जैसे ही खोलते हैं इसमें आपको लिखेगा योर चॉइसेस सर्च फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, तो बहुत ईजी है यहाँ से आपको ये, और ये सारी जो डाटा ऑफिशियल है गवर्नमेंट का है, जैसे टाइप ऑफ एजुकेशन लेवल ऑफ एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम्स करने हैं आपको, ठीक है, अब करना क्या है आपको, लैंग्वेज का कोर्स करना है, मास्टर्स बैचलर्स डिग्री पीएचडी या वोकेशनल सिर्फ सेकेंडरी सर्टिफिकेट, तो वोकेशनल कोर्स अब जैसे मैंने बैचलर्स डिग्री किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, लैंग्वेज होगी इंग्लिश। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कितने कम लेस कोर्सेज हैं इंग्लिश में, बैचलर्स में, रशियन में तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत लेस ऑप्शंस हैं अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो टोटल 27 प्रोग्राम्स हैं ऑल ओवर दी रशिया, जिसमें से अगर आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मैकेनिकल सिविल तो नहीं है तो है इनमें, और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट, तो ऐसे देख सकते हैं आप, बहुत ईजी है। यहाँ पे सीधा मास्टर्स डिग्री सिलेक्ट किया, जैसे मास्टर्स करनी है, मास्टर में इंजीनियरिंग करनी है, मैथमेटिकल, पब्लिक हेल्थ सर्विस, तो जो भी करना है सोशल साइंस सीधा सिलेक्ट कीजिए, और कोर्स में और उनके बारे में पता कीजिए, और उनके सीधा वेबसाइट पर जाइए, तो और उनके वेबसाइट पर जाके जैसे मैंने बताया, जैसे मैं अभी यहाँ पे आया ना रशियन कल्चर स्टडीज़, अब इस यूनिवर्सिटी पे सीधा सिलेक्ट करो, जैसे मान लो मुझे ये कोर्स करना है भाई, मुझे यहाँ से मिल गया, या मास्टर वाले को पीएचडी को, इस वेबसाइट की इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दे रखी होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन रैंकिंग हर चीज़ दे रखी होती है, प्रोग्राम्स, और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ आप सीधा, जैसे ये वेबसाइट मैंशन कर रखिए, और जो मैंने बताया आपको एक्सप्लेन का डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएंगे, देखो उसी वेबसाइट पर। तो ये मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल लिया कि आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे हर यूनिवर्सिटी में आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें, ऑलमोस्ट क्या कहते हैं वो, ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, तो ओवरऑल यही प्रोसीजर था, और इस वेबसाइट को ज़रूर खोलें और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और आप जान सकते हैं, बाकी कोई और डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक दूसरा तरीका और है एडमिशन लेने का, जिसमें वो यूनिवर्सिटीज़ आपको खुद ही ऑफ़र देती है, लेटर भेजती है, वो क्या तरीका है, और दूसरा उसको मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मैं बहुत किसी तरीके से अपना टाइम निकाल के मैं ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ जो वह स्टूडेंट्स हैं जो जिनका फॉरन में पढ़ने का ड्रीम जैसे मेरा था, जो मिडिल क्लास लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, तो वो कैसे खुद से करके लेस फी दे के पढ़ सकते हैं, मेरा यही एम था बस इन वीडियोज़ को बनाने का, कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। सो हैव अ नाइस डे।